हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे। अभी बज रहे हैं शाम के 7। आज अनुपम और नीरू मुंबई आ गए हैं एक छोटी सी ट्रिप पर। अभी हम लोग जा रहे हैं मेरी बहन के घर। आशीष और अनुपम हमें पिक करने आ गए हैं। ये है अनुपम, आशीष का छोटा भाई, यानी कि हम सब का प्यारा छोटा भाई, और इसे हम प्यार से पोपो बुलाते हैं। आप लोग भी साथ चलिए, और अभी आप लोगों को मैं नीरू से मिलवाती हूँ। तो ये है हम सबकी प्यारी दुलारी नीरू, मेरी छोटी मौसी की बेटी, जो एक रिश्ते से हमारी छोटी बहन है और दूसरे रिश्ते से मेरी छोटी बहन की छोटी देवरानी है। हाय कुकु बाबू। क्या बात नहीं करनी है? आज तो सुबह से कुकु बाबू के मजे हो रखे। चाचू के आते ही इसे ढेर सारी चॉकलेट मिल गई पहले, और अभी चाचू की तरफ से दूसरा गिफ्ट मिल गया है, जिसकी अनबॉक्सिंग कुकु बाबू ने शुरू कर दी है। ये वेज हक्का नूडल्स मैं घर से बनाकर लाई थी हम सबके लिए। अभी यहाँ पर मेरी बहन वीडियो शूट कर रही थी। आपको साइड में जो वो लड्डू वाला डिब्बा दिख रहा है, वो हमारी प्यारी मौसी ने दिल्ली से हम सबके लिए भेजा है। जब तक हम लोग ये गर्मा गर्म स्पाइसी वेज हक्का नूडल्स एंजॉय करते हैं, तब तक आप लोग इसकी रेसिपी देख लीजिए। वैसे ये रेसिपी बनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है। मैंने कैसे बनाया है बस वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वेज हक्का नूडल बनाने के लिए मैंने ली है 12 से 14 लहसुन की कलियाँ, एक छोटे साइज का प्याज और 3 से 4 हरी मिर्च। साथ में है पत्ता गोभी और गाजर, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा दिया है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें डाल देंगे ये लहसुन, प्याज और हरी मिर्च, जिसे हमने बारीक कट करके लिया था, और इसे 2 मिनट तक अच्छे से हाई फ्लेम पर पका लेंगे। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। इसके बाद मैंने इसमें डाला है पत्ता गोभी और गाजर, इसे भी हम हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे करीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। इसके बाद मैंने इसमें डाला है ब्लैक पेपर, शेजवान सॉस, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर डालकर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जियों के साथ। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये बॉयल नूडल्स, और इन सबको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे मसालों का फ्लेवर अच्छे से नूडल्स के साथ मिक्स हो जाए। आई होप कि आपको ये वेज हक्का नूडल की रेसिपी पसंद आई होगी। रात के 12 बजने वाले हैं और हम सब की गप्पे अभी भी जारी हैं। जाहिर सी बात है, आज इतने समय के बाद हम सब मिले हैं, तो कैसे सो जाएं? यहाँ तक कि आज हमारा कुकू भी अभी तक जगा हुआ है। ये देखिए, अभी पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए मुंबई आकर अनुपम और नीरू को, और इन दोनों को पुष्पा का फीवर चढ़ गया।
ढेर सारी गप्पे और डांस करने के बाद अब टाइम हो गया है पेट पूजा का और करीबन रात के 1 बजे हम सब मिलकर डिनर प्रिपेयर कर रहे हैं। डिनर में बन रहा है अंडा भुर्जी और मेरे प्यारे भाइयों के हाथों की गर्मा गर्म और नरम नरम रोटियां। और इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग किसी भी रीजन से पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल लिविंग विद पूजा को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आपसे जल्द मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।